માંડવી તાપી નદીના રમણીય તટ પર નવનિર્મિત થયેલ પુલનું આવતીકાલે લોકાર્પણ હોય જે અંગે સાંસદ પરભુભાઈ વસાવાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। मांडवी तापी तट पर नवनिर्मित थयेल पुलनु तारीख 30 ऑक्टोबर ना रोज गुजरात प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल, कैबिनेट मंत्री पुनेश मोदी, राज्य कक्षाना मंत्री मुकेश पटेल, सांसद सभ्य परभुभाई वसावा, धारासभ्य तथा सूरत भारतीय जनता पार्टी ना प्रमुख संदीप देसाई, मांडवी नगर भाजप प्रमुख नटू रबारी तथा मांडवी नगर प्रभारी राजेश पटेल नी उपस्थिति में लोकार्पण करवामां आवशे। सूरत जिल्लानो राष्ट्रीय धोरीमार्ग नंबर 56 वर्ष 1968 नी महाविनाशक रेल में घसड़ाई गयो हतो। त्यारबाद आ पुलनु फरी निर्माण करवा अनेक मांगणीओ, उपवासो अने आंदोलनो थया हता अने 53 वर्षना वहाणा वीती छता साकार थयो न हतो। आ समय बाद केन्द्र सरकारे 48.60 करोड़नी वहीवटी मंजूरी आपी हती, जेनो 2 वर्ष अगाउ भारत सरकारना रोड अने परिवहन राज्य कक्षाना मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा भूमिपूजन करवामां आव्युं हतुं। रुपया 46.92 करोड़ना खर्चे तैयार थनार 480 मीटर लंबाईमां अने 11 मीटर पहोळो तेमज बन्ने तरफ 1.5 मीटर वॉकवे धरावतो तापी ब्रिज आवतीकाले दिवाळी पर्व निमित्ते प्रजाने भेट स्वरूपे लोकार्पण करवामां आवशे। जितेंद्र सोलंकी, जनसाक्षी न्यूज, बारडोली। सूर्यपुत्री तापी नदी पर वापी शामळाजी नेशनल हाईवे नंबर 56 पर बे राज्यों ने जोड़ता के बे जिल्लाओं ने जोड़तो देश ने आर्थिक विकास की पथरेखा समान आ तापी नदी पर 47 करोड़ना खर्चे नवो ब्रिज बनावामां आव्यो छे। आ ब्रिज 1968 की रेल में तूटी गयो हतो। भूतकाळनी कांग्रेसनी सरकारमां अनेको वखत रजूआतो करवामां आवी तेम छतां अने मंजूरी नहोती मळी, पण आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना नेतृत्ववाळी सरकारमां आ ब्रिजनी मंजूरी मळी गई। राज्य सरकार अने केन्द्र सरकारना सहयोगथी आजे निर्माण थई गयो छे। 480 मीटरनी लंबाई छे अने 11 मीटर पहोळो अने बन्ने बाजु 1.5 मीटरना वॉकवे साथे राहदारीओने संपूर्ण रीते निर्विघ्ने चाली सके एवा प्रकारनो ब्रिज तैयार थयो छे। अने आवतीकाले प्रदेश अध्यक्ष श्री आदरणीय सी आर पाटिल साहेबनी विशेष उपस्थितिमां आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री पुर्णेशभाई मोदी साहेब तथा अपने मुकेशभाई पटेल साहेबना वरद हस्ते आवतीकाले आ ब्रिजनुं आ विस्तारनी प्रजाजनों माटे भेट सौगात रूपे एमनुं आवतीकाले लोकार्पण थवानुं छे।